अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्रीलंका के अपोजिशन पार्टी के नौजवान नेता रेहान जिया विक्रमे के रोजे रखने से जुड़ी है। रेहान जिया विक्रमे ने ट्वीट किया कि मैं बुद्धिस्ट हूं और बौद्ध फलसफे हयात पर अमल करने की पूरी कोशिश करता हूं। ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि रमजान के मुबारक महीने में अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ रोजा रखने में मैं बहुत खुश हूं। रेहान जिया विक्रमे श्रीलंका में विलीगामा शहर की सिटी काउंसिल के चेयरमैन है और रमजान के महीने की शुरुआत से ही रोजा रखते आ रहे हैं। बुद्ध धर्मी पॉलिटिकल लीडर ने कहा कि एक महीने तक जारी रहने वाली इस्लामी रवायत में शामिल होने के फैसले का मकसद श्रीलंका में हुए आतंकवादी हमलों के बाद मुसलमानों के खिलाफ पैदा हुए नफरत और जज्बात को कम करना है। आपको बता दें कि हाल ही में श्रीलंका में बुर्का पर पाबंदी लगाए जाने की खबरें सामने आई हैं। रेहान जिया विक्रमे के इस कदम को सही ठहराते हुए ट्विटर अकाउंट पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और ये बात भी सामने आई कि वो सिर्फ अकेले गैर मुस्लिम नहीं हैं जो रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। कोलंबो के एक जर्नलिस्ट मारियान डेविड ने बताया कि वो भी कुछ वक्त से रोज़ा रख रही हैं। उन्होंने कहा, मैं कैथोलिक हूँ और रमज़ान के महीने में भी रोज़ा रखती हूँ। इससे क्लैरिटी आती है और शऊर में इजाफा होता है, हमदर्दी के एहसास को तकवीत मिलती है और जिंदगी में डिसिप्लिन आता है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।